और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सातवें चरण के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। आज यूपी में सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे, वहीं गोरखपुर में दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे तो रोड शो भी करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे और रोड शो के साथ साथ कई जनसभाएं भी होंगी। अमित शाह पूर्वांचल के फिलहाल दौरे पर हैं। वो दो नेता जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं वो आज एक साथ आने वाले हैं। गोरखपुर में आज सियासी गर्मी बढ़ने वाली है क्योंकि बीजेपी के चाणक्य और यूपी के शासक आज एक साथ रोड शो करेंगे। ये मौके कम ही देखने को मिलते हैं जब दोनों नेता एक साथ आते हों। इसे लेकर विरोधी कई तरह की अटकलें भी लगाते हैं, इन्हें एक दूसरे का विरोधी बताते हैं, मगर आज होने वाले रोड शो से विपक्ष के अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। सातवें और आखिरी चरण में यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, बलिया, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बासगांव की सीट शामिल है। माना जा रहा है कि इस एक रोड शो से इन सभी सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। विरोधियों को पस्त करने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। आज दोपहर होने वाले रोड शो के लिए तैयारियां भी पुख्ता कर ली गई हैं। दोनों नेताओं के स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। तो देखिए, दोनों नेताओं के रोड शो से पूर्वांचल में बीजेपी को अच्छा खासा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि करीब 3.5 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत गोरखपुर के टाउन हॉल चौक से होगी। उसके बाद घोष कंपनी से होते हुए ये पूरा का पूरा काफिला रेती रोड पहुंचेगा और वहां से निकलकर दोनों नेता नखास की ओर बढ़ जाएंगे। बीच बीच में उनका स्वागत भी होते रहेगा, जनता का अभिवादन भी करते रहेंगे और फिर वहां से बख्शीपुर और आर्यनगर होते हुए विजय चौक में ये पूरी की पूरी यात्रा खत्म होगी। रोड शो के दौरान आप देखिए भारी संख्या में समर्थकों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है और रोड शो के साथ साथ दोनों नेता जनसभा में भी भाग लेंगे। चंपा देवी पार्क में हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए भी पहुंचेगी। तो अपने आप में ये बेहद अहम दिन, और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो किस तरह से आप देखिए जनता भी कहीं ना कहीं उत्साह उनमें देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको बता दें कि आखिरी चरण में जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी वो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। साल 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की इन 13 सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को इसमें से 9 सीटें मिली है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 2 सीटें मिली है। अगर हम एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के अपना दल को 2 सीटें हाथ लगी थी। हालांकि कांग्रेस पिछली बार भी यहां खाली हाथ ही रही है, तो एनडीए का गढ़ मानी जाती है तमाम सीटें और सातवें चरण की 13 सीटें काफी अहम है। Zing.